ये है जनाब हमारी मैंगो आइसक्रीम। एग्जैक्टली। अच्छा जी, आइसक्रीम आपने डाल दी, ये पूरा एक अच्छा सा डॉलप गया हमारा। मैंगो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो हम इसमें डालेंगे क्रीम। ये मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ क्योंकि हमने जो आइसक्रीम डाली है वो मीठी है, और इसमें अब थोड़ा सा मैंगो जूस। जी, ये प्योर जो हमें जो उसके फ्लेवर देगा आपको, और आपको कोई एसेंस यूज करने की जरूरत नहीं है। स्मूदीज में ना योगर्ट जरूर डाला करें, बड़ा अच्छा। जी बिल्कुल, आप इसको रनिंग करने के लिए थोड़ा सा हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। ठीक है, इजी टू ड्रिंक। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा गाढ़ी भी अगर स्मूदी होती है ना, तो फिर वो पीने में मजा नहीं आता। बच्चे नहीं पीते, बच्चों का पीना ये इसलिए भी जरूरी है, इट्स हेल्दी। आप जो है बच्चों को दें तो वो बड़े सेहतमंद। सीजनल फ्रूट्स आर ऑलवेज गुड। जब भी जो है वो सीजन का फ्रूट आए, तो कोशिश करें कि उसमें कुछ ना कुछ आप जरूर जो है वो बनाएं और बच्चों को दें। यहाँ पे मेरे पास एक बड़ी अच्छी सी बॉटल है। एज यू नो, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमेशा कोशिश करें कि चीज़ें जो है वो अट्रैक्टिव वे में डिस्प्ले हुए हों, तो ज़रूर बच्चे जो हैं वो आएंगे और वो कहेंगे कि मामा हमें ये चाहिए। और मामा सिर्फ बच्चे ही क्यों शेफ, आप मतलब मुझे फरामोश ना कीजिए। अच्छा, चलें। इतनी अच्छी तरीके से अगर प्रेजेंटेशन हुई भी हो और हम तो फिर बड़ों का भी दिल ललचाता है। अच्छा, ये जो शेफ आपने दो जगह निकाला है इसको, स्मूदी को, तो ये इसकी क्या वजह है? एक्चुअली मैं आपको सिर्फ एक दो तरीके बता रही हूँ कि आप कैसे इसको जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसको अपने किसी भी जो है वो कंटेनर में ब्यूटीफुल अच्छे से प्यारे से उसमें भी डाल सकते हैं। आप नॉर्मल इसको ग्लास में भी जो है वो सर्व कर सकते हैं। अच्छा, अब ग्लास में सर्व करने की वजह ये भी है कि मैं ये चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट भी कर दूँ बच्चों के लिए, तो वो कंटेनर में डेकोरेट करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो मेरे पास ये थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम है। अच्छा, इस वाले एपिसोड में जो है ना, आप वो दो तरीके सीख रहे हैं प्रेजेंटेशन के, जो कि एक ग्लास में होने वाली है और दूसरी जो है वो कंटेनर में। जैसे कंटेनर में आपने ये थोड़ा सा करके, और आप क्या करें कि थोड़े से स्प्रिंकलर्स डाल दें आप इसके ऊपर। ठीक है, तो ये देखें आप कितना कलरफुल सा और अट्रैक्टिव सा हो गया, और आई कैची सा हो गया, और बच्चे फौरन से दौड़े चले आएंगे और कहकशा भी दौड़ी चली आएंगी। मैं तो बिल्कुल दौड़ी चली के आऊंगी। मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ और ऑल आईज ऑन मैंगो स्मूदी। अच्छा, तो ये देखें हमारी मैंगो स्मूदी रेडी हो गई है। अब ये बताइए कि इसकी ये प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक है, ऑडियंस देख सकते हैं अच्छी तरीके से। ओके भाई, कैमरामैन कह रहे हैं मुझे इसके पूरे नज़ारे करने दें शेफ, इसको थोड़ा सा आप क्लोज दिखाएं, और थोड़ा सा मुझे टिश्यू भी दे दीजिएगा कहकशा, ताकि मैं अपनी जैकेट और हाथ जो है वो साफ कर लूँ।